ठीक है उमेश, आगे बढ़े तो हम सेक्शन जी वन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वन का जो सेक्शन वन है आपका, वो है रियल नंबर्स। इसके चार सब सेक्शन है, देखिए 1.1.1 ये पहला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सेक्शन को और तीसरा सब सेक्शन को। तो ये टोटल चार सब सेक्शन है और एक आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो सबसे पहला सब सेक्शन बहुत आसान है, हमने पहले ही इसको कवर किया हुआ है कि रिकॉल करना है हमने सिर्फ और सिर्फ, दोबारा से हमने याद दहानी करनी है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो असल में यूनियन है सेट ऑफ रैशनल का और इरेशनल नंबर का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, आई थिंक इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने जो लास्ट लेक्चर लिया है उसमें हमने ये बता दिया है कि जो रियल नंबर का सेट है वो असल में रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। तो ये जस्ट आपका सब सेक्शन है रियल नंबर का, ये पहला सब सेक्शन है। इसके बाद दूसरा सब सेक्शन आपका आता है जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को नंबर लाइन पे। हम नंबर लाइन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो रियल नंबर को किस तरह से हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ये हमने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ भी ये बताया कि प्रीवियस क्लासेस में हमने होल नंबर को इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन की हुई है नंबर लाइन पे, बिल्कुल इसी तरह से रियल नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी रियल नंबर लाइन पे, लेकिन हमने अपने अंदाज में सीखा है पिछली क्लास के अंदर, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक। दो एग्जांपल्स के जरिए इस सब सेक्शन को इन्होंने कवर किया है। जैसे हमने रिप्रेजेंट करना है माइनस वन हाफ और प्लस वन हाफ को नंबर लाइन पर, इन्होंने इस नंबर लाइन को नाम दिया हुआ है स्मॉल एल। इस तरह से भी हम नाम देते हैं नंबर लाइन को स्मॉल अल्फाबेट से भी। आपको याद होगा कि जब मैं नंबर लाइन पढ़ा रहा था तो मैंने पॉइंट के जरिए आपको समझाया था, नंबर मूव करके मैंने पॉइंट के जरिए समझाया था। तो यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये पी वन नाम दिया हुआ है, ये पी टू नाम दिया हुआ है दूसरे पॉइंट को, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से ये हमने नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये लिखा है वन हाफ। असल में किस तरह से हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको जो तीसरा सब सेक्शन है इसके बाद वाला उसमें मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से करेंगे। बहरहाल ये तो बहुत ही सिंपल है, माइनस वन हाफ और प्लस वन हाफ लिखा हुआ है। वन हाफ का मतलब ये कि एक का आधा, ठीक है, एक के दो हिस्से करने। तो यहाँ पे जीरो है, जीरो के पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होंगे, जीरो के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे। अब साथ में ये आप देख लें कि माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है, प्लस वन यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने, यानी जीरो से लेके इतनी दूर तक हमने एक पार्ट बनाया है वन, और इसी तरह से जीरो के पीछे इतना हमने डिस्टेंस बनाया है माइनस वन, ठीक है। इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो जो लेफ्ट साइड पे माइनस में होगा तो माइनस वन हाफ आ जाएगा, और इसका हाफ कर दूंगा तो राइट साइड पे ये प्लस वन हाफ हो। तो इस तरह से हम इन दो पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ओवेस? जी है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर फ्रैक्शन को, ये असल में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का के हमारे पास कई तरीकेकार होते हैं, जिसमें से जो बहुत नॉर्मल तरीकेकार हैं वो मैं आपको जरा पहले सिखा देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो कि फ्रैक्शन को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हम अगली एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, एग्जांपल नंबर टू के ऊपर। अच्छा, किस तरह से हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन को? यहाँ मैंने देखे तीन तरह से लिखा हुआ है फ्रैक्शन को। एक जो टाइप है आप ये देख सकते हैं कि हम डिविजन का निशान लगाते हैं और ऊपर एक नंबर लिखते हैं, नीचे एक नंबर लिखते हैं। इसी तरह से हम स्लैश थोड़ा सा टेढ़ा करके भी लिखते हैं और ऊपर एक नंबर और इस तरह साइड में एक नंबर लिखते हैं, या कम्प्लीटली एक नंबर लिख देते हैं जैसे लाइन पे हमने प्रॉपर एक नंबर लिख दी, या देखिए छोटे करके हमने नंबर लिखे हैं, और इस एग्जांपल में हमने नंबर पूरे बड़े लिखे और साइड में एक स्लैश लगा दिया। तो ये तो एक तरीके का है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो डिवाइड के निशान के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीकेकार है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं या मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं हम, दूसरा तरीकेकार ये भी है। तो ये आपने देखा होगा कि टू वन हाफ, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि टू एक अलहदा नंबर है, टू प्लस वन हाफ ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। ये एक इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर है ये प्रॉपर, ये जो पहले वाला टू है, और ये वन हाफ फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये आता कैसे? सिंपल, जो आप पिछली क्लासेस में जो टेक्निक डिवीजन की करते हुए हैं इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये टू बाहर आ जाएगा, फाइव अंदर आ जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, नीचे वन आपका आ जाएगा रिमाइंडर। जो आपके इसको आप किस तरह से लिखेंगे, जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में था वो इसी तरह आ जाएगा ये वाला टू, जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर आता है, और जो आपका आंसर है वो इंटीग्रल पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखें यही चीज बन गई है। ये तरीकेकार है आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाने का, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाने का। दूसरा इसको देखने का अंदाज ये भी है, ये असल में इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वाला नंबर, ये वर्ड में जब भी यूज करूंगा या आपकी बुक में अगर आया इंटीग्रल, इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर नंबर, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में नहीं देखना, आपने इंटीजर में देखना है। ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो ऑब्वियसली इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये टू एंड हाफ, एक तो नंबर टू है
और उसके साथ कितना है, आधा है, दो और आधा, यानी कि दो और आधा कितना हो जाएगा, ढाई हो जाएगा। ओके, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, टू प्लस हाफ, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तीसरा तरीके का है डेसिमल, जो पॉइंट्स में हम लिखते हैं, 2.5, इस तरह भी हम लिखते हैं ढाई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये टू है, ये इंटीग्रल पार्ट है, और प्लस 0.5 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल में हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक आम तरीके कार है हमारे पास, जो हमने फ्रैक्शन में ये नंबर लिखे हुए हैं। कुछ और तरीके कार अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ, जो आपने मोबाइल में भी कैलकुलेटर अपने लाजमी डाउनलोड करना है, FX Casio का साइंटिफिक कैलकुलेटर। हमने क्या एग्जाम्पल ली थी, 5 / 2, ठीक है, देखिये मैं यहाँ लिखता हूँ 5/2, तो आपको एक तो ये नंबर यहाँ नजर आ रहा है 2.5। अच्छा, ये नंबर आपने मजीद देखना है कि किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देखें, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा है मोर, इस पे आप क्लिक करेंगे, देखें मोर पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने इनपुट डाला है एक्सप्रेशन, यानी कि जो मैंने डाला है वो 5/2, उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट जो इसने निकाला है डेसिमल में वो 2.5 है। फ्रैक्शन में कितना होगा, 5/2, ये फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन का आंसर भी ये यहीं पर ही दे रहा है 2.5। ये बहुत आसान तरीका है, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। बहरहाल ये DMS ये छोड़ दें, ये एंगल है डिग्री और मिनट और सेकंड में, ये हमारे काम का नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी फिलहाल आपके काम का नहीं है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये भी अभी आपके काम का नहीं है, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। साइंटिफिक नोटेशन ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लॉगरिथम में साइंटिफिक नोटेशन, तो वहां पे आप बहुत डिटेल में सीखेंगे ये कि साइंटिफिक नोटेशन हम किसी भी नंबर की किस तरह से बनाते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि कैलकुलेटर में भी आप ये सारी डिटेल आसानी से देख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आप डालें, आपने उसको वेरीफाई करना हो कि उसका मिक्स फ्रैक्शन क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन अभी आपके काम का नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये डेसिमल क्या बनेगा, तो वो सब आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ओवेस? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। इसके बाद जो आपकी एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट करें -1.5, 1/5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये सब सेक्शन कौन सा था हमारा, कि रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ओके, माइनस 1/5 कितना होता है, 1 and +0.5, ऐसे ही होगा लेकिन माइनस में है, ये माइनस है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 - 0.5। तो पहले माइनस 1 जाना है मुझे, मैं 0 से माइनस 1 गया, ये रहा माइनस 1, और फिर अगले नंबर का नेगेटिव में 0.5 लेना है मैंने, तो ये 2 तक यहाँ था, इसका हाफ ले लूंगा, तो ये देखें ये आपका -1.5 आ गया। 1/5 लेना है आपने। इसका जो तरीकेकार है वो आपको इस नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि किस तरह हम इसको लेंगे। बहरहाल 1/5 आपने यहाँ 1 पे आए, फिर उसके बाद ये जो अगला नंबर है इसके 5 इक्वल पीसेस बनाने हैं आपने, 1, 2, 3, 4, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, पांच पीस, और ये 1/5 पहला पीस हो गया, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2 अगर आपको समझ नहीं भी आई है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस हम नेक्स्ट सेक्शन पे ही जा रहे हैं। अगर ये वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं भी है तो आपको नेक्स्ट सब सेक्शन में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा।